तो स्टूडेंट्स वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं आपका दीपक शर्मा सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसके पहले वाला जो हम लोग का टॉपिक था वो था नोइंग आवर नंबर्स, और उसमें हमने नंबर्स को रीड करना, राइट करना, डिफरेंट न्यूमरेशन में रीड और राइट करना सीखा था, और साथ में उन नंबर्स को ऑपरेट करना, मतलब एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखा था। ठीक है, कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़े थे हम लोग, जैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स या विद गिवन डिजिट्स नंबर्स को फॉर्म करना भी हमने सीखा था। ठीक है, अब इसमें हम लोग भी नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, मगर इसमें हम लोग नंबर्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उन नंबर को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने उसको ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पिछली बार हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखा था, अब थोड़ा हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है ना, या जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हम लोग जानेंगे तभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स भी यूज होते हैं, ये आपने क्लास 5 में पढ़ा है, थोड़ा हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि अगर वो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब उसमें मैं प्लस भी करना है, माइनस करने को भी बोला जा रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए भी है, तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारी बातों को हम लोग इस सब टॉपिक में समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या होता है ये भी आप लोगों के लिए नया टॉपिक नहीं है, ये भी आपने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और फिर वह प्राइम, कंपोजिट, इवन एंड ऑड नंबर्स, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग रिकॉल थोड़ा कर लेंगे, है ना। हो सकता है आप इनमें से कुछ चीज़ों को भूल गए हो या कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भूल गए हो, तो उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब ये कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी नंबर में, मतलब हम लोग बेसिकली प्राइम नंबर्स ही लेंगे और जो फर्स्ट थ्री इलेवन तक हम लोग अभी सीखेंगे, है ना, कि कैसे किसी नंबर को हम लोग विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग हम ये पता कर पाए कि वो जो गिवन नंबर है एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। उसके बाद हम लोग कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। अगर दो नंबर्स दिए हैं, उनके फैक्टर्स दिए हैं, तो उनमें कॉमन फैक्टर कौन होगा, या मल्टीपल्स अगर दिए तो कॉमन मल्टीपल कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये सारी चीज़ों को इस टॉपिक में समझेंगे। और एक सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन को परफॉर्म करना सीखेंगे, कैसे हम लोग किसी एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये भी सीखेंगे हम लोग। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जिसको हम लोग HCF और LCM कहते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और LCM और HCF में एक रिलेशन होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और फिर जितना भी अभी हम लोग यहाँ सीखेंगे उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो हम सीखे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ या किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इस तरह से है, आप जानते हैं बेसिकली चार ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, कौन कौन, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब अगर ये चारों दिए हों, एक एग्जाम्पल समझते हैं, 36 प्लस 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस 10। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है। तो अब हम इसमें पहले क्या करें, अगर जनरली अगर आप ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस नहीं जानते हैं तो आप जो फर्स्ट में है वो पहले करेंगे, जो बाद में वो बाद में करें, यानी आप पहले हो सकता है प्लस कर दें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो इससे क्या होगा कि गलत हो जाएगा आपका। तो यही चीज हम लोग को इसमें सीखना है। तो अब हम लोग जो जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमारा है डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DMAS कहते हैं, DMAS। ओके, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सबसे पहले डिवीजन करेंगे, डी फॉर डिवीजन होता है, तो सबसे पहले हम लोग को डिवीजन करना है। अब इसमें आप देखिए यहाँ डिवीजन किसको करना है, तो 24 को 3 से डिवीजन करना है,
मतलब ये कि बाकी को हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो बाकी को क्या करेंगे एज इट इज हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो 36 प्लस 4 यहाँ तक हमने एज इट इज लिख लिया। अब 24 में 3 से डिवाइड करके उसका आंसर क्या आता है, 8 आता है, तो वो लिख देंगे। और उसके बाद जो राइट साइड वाला है उसको भी एज इट इज लिख देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक हमारा जो डिवीजन ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो गया, डिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या बच रहा है, हमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इनमें से क्या करेंगे, तो देखिए डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन आता है, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यानी कि अभी 36 को हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और तो 4 में 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 4 8 होता है आपका 32, तो 32 यहाँ पे लिखेंगे। अब माइनस 10, अब फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस और माइनस दोनों हैं, सिर्फ प्लस और माइनस रह गए हैं। तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंग अब हम लोग एडिशन करेंगे। तो ये हो गया 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा, आप रफ में कर लें। अगर कोई भी समस्या है, मतलब अगर आप सीधे सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो आप रफ कर लेंगे, ठीक है, गलती नहीं करेंगे। तो 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, तो 68 हो गया। तो 68 लिख लिए हम लोग। और अब लास्ट हमारा क्या बच गया है, सब्ट्रैक्शन। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 58। सो दिस 58 इज आवर आंसर। और अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आंसर अलग आता है, जो कि गलत होता है एक्चुअली में। ऑलराइट, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा सिचुएशन हो, चारों या उसमें से कम दो हो या तीन हो, तो हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना है। एक बात आपको मैं बोल दूं, जहाँ पे अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे यही पे अगर हम लोग इसको, ये अक्सर ऐसे सिचुएशन में आप मतलब थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस है और यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो, और अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे उसी प्रोसेस से, तो हमारा क्या होगा, ये 36 माइनस 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3 8 एंड देन प्लस 10 एंड इक्वल्स टू 36 माइनस 32 प्लस 10। अब यहाँ पे पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, ठीक है, 32 में प्लस आप 10 कर देंगे, तो क्या होगा, आप इसका इस तरह से आप लिखेंगे 36 माइनस 42 और आपका आंसर क्या आएगा। देखिए छोटा में से बड़ा वैसे तो हम लोग घटाना सीख चुके हैं, इंटीजर्स में हम लोग एक्चुअली में अभी सीखे नहीं, हम लोग आगे इसको सीखेंगे, प्रीवियस क्लास में आपको नहीं बताया गया, लेकिन अगर आप इसको फिर भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका निगेटिव में आंसर आएगा और वो आएगा माइनस 6 के इक्वल, जो कि अभी आपने नहीं सीखा है। तो अब क्या ये सही है हमारा, हमने रूल्स को तो फॉलो किया, पहले हमने ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, मगर फिर भी यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्योंकि याद रखिए जब भी हम दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। अब पॉजिटिव कैसे पहचाने, तो उस नंबर के पहले प्लस होना चाहिए तभी हम दोनों नंबर को जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 के पहले प्लस है, आप देख सकते हैं 10 के पहले देखिए यहाँ पे प्लस है, लेकिन 32 के पहले क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को हम कभी जोड़ नहीं सकते, उसको घटाना ही पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सही क्या होना चाहिए था, हम लोग पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो 36 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 14। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया है अगर आपने इस रूल को फॉलो किया है। तो अब आप कहेंगे फिर तो रूल कब हमें फॉलो करना है, तो जैसे मैंने बताया जब भी आप प्लस करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही नंबर्स के पहले प्लस साइन होना चाहिए, या जैसे शुरू में आप देखते हैं अक्सर कोई साइन नहीं होता है, तो 36 क्या है, यहाँ पे कोई साइन तो नहीं है लेकिन हम इसको प्लस ही समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने 4 और प्लस को 10 किया, 4 के पहले कोई साइन नहीं है लेकिन प्लस ही समझेंगे, अगर कोई नहीं साइन है तो प्लस समझेंगे। तो 4 भी प्लस है, 10 भी के पहले प्लस है, तभी हम इनको जोड़ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलतियाँ हो जाती हैं आपसे, ठीक है ना, ये रूल को भी ध्यान रखना है और इस रूल में क्या गलती हो जाती है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो अब हम लोग, ये तो सिंपल था जिसमें सिर्फ हम लोग को मतलब
प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। लेकिन अगर ब्रैकेट्स आ रहे हों तो क्या करें? तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ब्रैकेट्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा है, चार तरह के ब्रैकेट होते हैं, जिनमें सबसे पहला है बार, या इसको विनकुलम कहते हैं, इसको हम लोग लाइन ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, लाइन ब्रैकेट। और ये देख रहे हैं आप, इसको स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है, या इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट कहते हैं, या सिंपल ब्रैकेट, या पैरेंथेसिस, चार नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। या तो स्मॉल ब्रैकेट कहें या राउंड ब्रैकेट कहें, क्योंकि देख सकते हैं थोड़ा राउंड है इसका, सिंपल ब्रैकेट कहें क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, और एक इसका स्पेशल नेम है पैरेंथेसिस, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक हमारा ब्रैकेट ब्रैकेट होता है, ये देख रहे हैं कर्ली है, मतलब कर्ल बना हुआ है, थोड़ा घुमा है, जैसे आपने देखा होगा हेयर बहुत लोग ऐसे होता है, तो इसको कर्ली हेयर बोलते हैं, तो इसी कर्ली हेयर से इसको नाम लिया गया कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली हेयर के जैसा है, या इसको सिंपली ब्रेसेस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके जो कॉर्नर्स हैं 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, इनको आप कहेंगे, या इसको बॉक्स ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, तीनों नाम से हम लोग इसको बुला सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ब्रैकेट्स भी यूज हुए हैं, और वो भी कम से कम दो या तीन तरह के ब्रैकेट यूज हुए हैं, या मे भी चार तरह के हुए हैं, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आप एक, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, और सबसे पहले हम लोग रूल भी जान लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग बॉड मास कहते हैं। तो चार ऑपरेशंस तो आप जानते ही थे ऑलरेडी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चार तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, बस इसके पहले दो और आ गया है, एक ब्रैकेट और एक ऑफ, ठीक है। तो ऑफ क्या होता है, तो ऑफ बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तभी यूज करते हैं ऑफ, ठीक है ना। अब ऑफ का थोड़ा सा मतलब ये सेंस हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं ये कोई राउंड ऑब्जेक्ट है, हम कह रहे हैं इसका 1/3 ऑफ दिस सर्कल, आई वॉन्ट या शेड 1/3 ऑफ दिस सर्कल, 1/3 ऑफ सर्कल, तो हम क्या करते हैं, इसको तीन इक्वल हिस्सा में बांटते हैं और एक हिस्सा को शेड करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/3 ऑफ होल, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑफ का यूज किसी फ्रैक्शनल पार्ट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पे ऑफ यूज करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि अगर ऑफ लिखा है तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, ब्रैकेट अगर नहीं गिवेन हो तो, अगर ब्रैकेट गिवेन है तो पहले तो ब्रैकेट ही करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑफ भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है लेकिन ब्रैकेट्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट्स यूज करना है। अब ब्रैकेट में भी आप जानते हैं चार तरह के ब्रैकेट होते हैं, चार में यहां पे हम लोग को दो या तीन तरह का ब्रैकेट यूज हुआ है, देखिए स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, तीनों यूज हुआ है। तो इसमें अब कौन पहले यूज करेंगे, तो उसके लिए आप आ जाइए यहाँ पे, आप देखिए सबसे पहले अगर हम लोग को ब्रैकेट्स दिए हैं तो विनकुलम यूज करना है, जिसको लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, वो जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और याद रखिएगा स्मॉल ब्रैकेट हमेशा अंदर होगा, कर्ली ब्रैकेट उसके बाहर, और स्क्वायर ब्रैकेट सबसे बाहर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा स्मॉल ब्रैकेट एकदम अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले का जो भी है एज इट इज हम लोग नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, 1/2 ऑफ 36 प्लस 16 माइनस, अब 17 में से आप 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, बिल्कुल आप रफ करके देख लीजिए। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो अब हमें उस ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट। अब फिर हमारा बचा क्या, सेकंड हमारा प्रायोरिटी है कर्ली ब्रैकेट, यानी इसको सॉल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, 1/2 ऑफ 36 प्लस, अब 16 में से 14 माइनस करने पर कितना आएगा, 4 आएगा, नहीं 2 आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम होता आप रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं,
तो ये भी सॉल्व हो गया, तो अब हमें कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, अब बच गया हमारा बिग ब्रैकेट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस करना 36 में 2, तो ये हो जाएगा 38। तो ये भी सॉल्व हो गया, तो अब उसको भी देने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा है, ऑफ। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 38 हो गया, 38 को हम लोग ऐसे लिख सकते 38/1, और मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो बेसिकली ऊपर और नीचे में कटा देते हैं, तो ये 2 से 19 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 = 19, और इधर 111, तो नीचे आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यही हो गया हमारा आंसर 19, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग ब्रैकेट्स अगर दिए हों एक्सप्रेशन में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा, ऑलराइट। तो ये रूल आपको याद रखना है, बॉड मास, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमारा एक अगला टॉपिक है फैक्टर्स के बारे में। तो फैक्टर्स क्या, मतलब कैसे नंबर्स को हम लोग फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, मतलब फैक्टर जो होगा वो किसी ऑलरेडी, अगर जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप फैक्टर बताइए, तो फैक्टर आप, तो फिर आप पूछेंगे आप नंबर बताइए, क्योंकि कोई ना कोई नंबर के ही फैक्टर होंगे। ऐसे ही हम नहीं कह सकते, जैसे इवन नंबर का अगर एग्जांपल पूछें तो आप कह सकते हैं 2 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, लेकिन फैक्टर का आपको कोई एक नंबर देना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि हाँ 5 का फैक्टर बताइए, तब आप कह सकते हैं 1 एंड 5, या 6 का फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे 1, 2, 3 एंड 6। तो इस तरह से हमें सबसे पहले एक नंबर हमें पता होना चाहिए, तो वो नंबर का फैक्टर कौन सा नंबर होगा। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर, मतलब कि वैसे नंबर को हम फैक्टर बोलेंगे जो उस गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, है ना। जैसे 6 है फॉर एग्जाम्पल, सिक्स का फैक्टर हमें जानना है, तो हम उन सारे नंबर्स को लिखेंगे जो 6 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा 6 कंप्लीटली 6 टाइम्स में, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में। तो 6 के फैक्टर्स कितने मिले हम लोग को, 4 मिले, 1, 2, 3 एंड 6। एक बड़ा नंबर लेते हैं, फोर्टी एट के फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर है जो 48 को डिवाइड कर देता है। अब देखिए, फैक्टर फाइंड करने का क्या प्रोसेस है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, और अभी फिलहाल एट द मोमेंट अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग लेटर ऑन जब फैक्टर निकालेंगे तो मैं आपको वो प्रोसेस को फिर से रिकॉल कर दूंगा, अभी फिलहाल हम लोग फैक्टर को समझ लेते हैं। तो फैक्टर क्या होंगे 48 के, 1 होंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड, 1 तो सभी नंबर को डिवाइड कर देता है, तो 1 तो होगा ही। 2, अब देखिए इवन नंबर है तो 2 भी डिवाइड कर देगा, और 48 आप देखेंगे 3 से डिवाइड करने पे तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 3 भी हो गया इसका फैक्टर। 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 हो गया। 5 से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में नहीं आता है, तो 5 से नहीं होगा। 6 के टेबल में आता है, तो 6 भी 48 का फैक्टर हो गया। 7 के टेबल में नहीं आता है, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 8 के टेबल में आता है, यस। 9, 10, 11 नहीं होगा, लेकिन 12 होगा, तो 12 लिख दिए। फिर उस तरह 13, 14, 15 नहीं होगा, 16 होगा। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24, yes, 24 and 48। तो ये सारे नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सभी नंबर 48 पे डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए ये सभी नंबर क्या है, 48 के फैक्टर है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा हो सकता है फैक्टर फाइंड करने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग सभी फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि वो सभी नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देता है फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। मतलब हम अगर दूसरे शब्द में कहें तो फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, पूरा पूरा उसको डिवाइजर कौन क्या होता है जो उसको डिवाइड कर देता है। अब नेक्स्ट मल्टीपल,
तो मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल भी उसी तरह से कोई एक पर्टिकुलर नंबर का हम लोग मल्टीपल फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर द मल्टीपल ऑफ ए नंबर, हाँ, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल नंबर, समझ लेते हैं इसको। द मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑप्टेन मतलब प्राप्त होता है, हमें मिलता है। किसी नंबर का मल्टीपल कैसे मिलता है, जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिक्स का मल्टीपल अगर आपको निकालने को बोला जाए, मल्टीपल ऑफ सिक्स, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आप सिक्स में वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, सिक्स। फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, 12। फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 18। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि कितना मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नेचुरल नंबर का तो कोई एंड है नहीं, एक्सक्यूज मी, ओके। तो कितना हम लोग मल्टीपल निकालेंगे, तो इसका कोई एंड नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं है, तो मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं होता है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 5 मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हम लोग 5 मल्टीपल्स निकालेंगे। अगर क्वेश्चन बोला गया 10 मल्टीपल्स निकालने, तो 10 मल्टीपल्स निकालेंगे। और जनरली जब हम लोग मल्टीपल्स निकालते हैं, तो 1 से निकालते हैं, मतलब पहला मल्टीपल से। जैसे अभी 6 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हुआ, 6। फिर 12, 18, 24। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 4 मल्टीपल्स निकाले, और जब भी मल्टीपल्स निकालेंगे फर्स्ट से निकालेंगे। तो 6 इज द फर्स्ट मल्टीपल, 12 इज द सेकेंड, है ना। सेकेंड मल्टीपल क्या होगा, तो सेकेंड से 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अगर मैं कहूँ 6 का 10th मल्टीपल बताइए, तो आप क्या करेंगे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60, क्या हो जाएगा, 6 का 10th मल्टीपल। तो इसी तरह से हम लोग किसी एक नंबर के एज मच एज वी वॉन्ट वी कैन फाइंड मल्टीपल्स, जितना चाहें हम लोग उतना मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो फैक्टर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो फैक्टर में ऐसा नहीं है। फैक्टर में जो फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के, वो फिक्स होंगे। जैसे 6 के यही 4 फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर 6 का नहीं हो सकता है। 48 के भी यही इतने फैक्टर्स हैं, आप काउंट कर लीजिए कितना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही 10 फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर कोई छूट गया हो तो हो सकता है, लेकिन जो है वही है, उसके अलावा फैक्टर्स नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है, तो ए नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर अगर आपको समझना है, तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स समझना पड़ेगा। अगर आप फैक्टर्स को नहीं समझे हैं, तो प्राइम नंबर्स आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। और इसीलिए आपको फैक्टर पहले समझाया गया, एंड आई होप आप फैक्टर समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। तो जैसे आपने देखा कि हमने 6 का फैक्टर निकाला था, तो क्या हमें मिला था, 1, 2, 3 एंड 6, यानी 6 के 4 फैक्टर्स यहां पे। हाउ मेनी फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स। लेकिन अगर हमको 7 का फैक्टर निकालना हो, तो क्या होगा, कितने फैक्टर्स आएंगे। तो 7 को तो सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करेंगे नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, लास्ट 7 से ही होगा। मतलब इसके कितने फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स से ना ज़्यादा होना चाहिए न कम। तो आप देखिए, 7 को एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, तो 7 को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग को 5 का फैक्टर्स निकालना हो, तो इसके भी क्या होंगे, 1 एंड 5 होंगे, यानी इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर हम लोग जब फाइंड करें और सिर्फ हमको 2 ही फैक्टर मिले, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। मतलब यहाँ जो हमने जितने भी नंबर्स का फैक्टर्स निकाला है, इनमें 5 एंड 7 आर प्राइम नंबर्स। लेकिन 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर,
बट सिक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो फिर सिक्स को हम क्या कह सकते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या हो सकते हैं? तो जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो होते हैं कंपोजिट नंबर, लेकिन वन को छोड़कर। याद रखिएगा, वन एक ऐसा नंबर है, इसको मैं यहाँ पे आपको लोग मेंशन कर देता हूँ, ओके ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा, वन को छोड़कर, मतलब वन ही एक ऐसा नंबर है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है? एकमात्र ये नंबर है वन जिसको ना प्राइम नंबर कह सकते हैं ना कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। वन को छोड़कर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो आइदर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। मतलब अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है, और नहीं है तो कंपोजिट नंबर है। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे 5 और 7 प्राइम नंबर्स थे हमारे, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है फिर? ये कंपोजिट नंबर है। यानी क्यों है ये कंपोजिट नंबर, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। आप देखिए यहाँ पे 6 के यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, तो 6 क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर है। तो समझ तो आप गए हैं, कुछ और एग्जांपल हम लोग सही समझते हैं इसको। जैसे एक छोटा सा नंबर लेते हैं 4, फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है? तो 4 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है एंड 4 से। मतलब 1 तो हम लोग को लिखना ही, 1 तो हर एक नेचुरल नंबर 1 से डिविजिबल है ना, तो 4 भी 1 से डिविजिबल है और 4 2 से भी डिविजिबल है और 4 4 से भी डिविजिबल होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कोई एक नंबर है तो 1 और इटसेल्फ, यानी इसके दो फैक्टर तो जरूर होंगे 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर जितने भी नंबर है कम से कम दो फैक्टर तो जरूर होंगे। अब अगर 2 से भी ये कोई तीसरा फैक्टर आ जाता है उसका, तो फिर हम उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 और 4, मतलब 1 और इटसेल्फ को छोड़कर एक हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर है 2, तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। उसी तरह से 6 क्या था, कंपोजिट नंबर। और भी नंबर देख सकते हैं आप, 8 देख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा, तो 8 के 4 फैक्टर्स हो गए, तो 4 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। फैक्टर्स ऑफ 9 आप देख लीजिए, 1, 3 एंड 9, तो 9 के 3 फैक्टर्स हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। ऑल राइट, अब एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इसको आप क्लास 2-3 से आई थिंक पढ़ते आ रहे, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली इतना जान लीजिए कि कोई भी एक नंबर है जो 2 से डिविजिबल है उन्हें हम इवन नंबर्स कहेंगे। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसको इवन नंबर कहेंगे। अब कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं हम कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप एक बात याद रख सकते हैं, इफ यूनिट प्लेस, या इसको हम लोग वंस प्लेस भी कहते हैं, वंस प्लेस ऑफ ए नंबर हैज 0, 2, 4, 6 और 8, इन 4 नहीं, ये 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अगर वंस प्लेस पे होता है किसी नंबर के, तो उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लीजिए, 20, 20, वंस प्लेस पे 0 है, 502, वंस प्लेस पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। कोई एक बड़ा नंबर लेते हैं 1, 3, 7, 9,
8, ठीक है। तो ये 5 डिजिट नंबर है, लेकिन हम इसका सिर्फ पॉन्स प्लेस देखेंगे, 8 है, इन्हीं पांचों में से कोई एक है, तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसी तरह से बहुत सारे नंबर मिलेंगे हमको जो इवन नंबर हो सकते हैं। तो अब एक ऑड नंबर, ऑड नंबर इसका ठीक उल्टा कि अगर इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, कोई भी नंबर है डिविजिबल 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। और कैसे पहचानेंगे, अब 2 से डिवाइड अगर हर बार नहीं कर पा रहे तो हम ये याद रखेंगे कि उसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, एट वंस प्लेस देयर शुड बी वन, थ्री, फाइव, सेवन और नाइन। ये सिंपल में लिख रहे हैं, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, वन, थ्री, फाइव, सेवन और नाइन, यही पांच में से कोई भी डिजिट होगा तो वो ऑड नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1515 है ना, 203, 4, 6, 8, 0, 1, वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, इन्हीं पांचों में से एक है, तो ये ऑड नंबर कहलाएगा। देखिए बाकी सारे डिजिट्स इवन है, लेकिन वंस प्लेस पे ऑड हो गया तो वो ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो यही बातों को ध्यान रखना है। और एक छोटा सा टॉपिक जो आप याद रखेंगे, ये इसको हम लोग को रेयरली ही मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप याद रखेंगे कि परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं। तो समझ लीजिए कि जिस प्रकार परफेक्ट पर्सन बहुत रेयर होते हैं, आपको बहुत रेयरली ही कोई पर्सन ऐसा मिला जो परफेक्ट हो, तो उसी तरह से नंबर्स भी ऐसे रेयर ही कोई नंबर है जो परफेक्ट हो सकता है। एक तो है जैसे यहाँ पे आप, पहले हम लोग समझ लेते हैं परफेक्ट नंबर कहें किसको, फिर हम लोग जानेंगे किस कौन है परफेक्ट नंबर। हमें करना क्या है, द सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उनका सम निकालना है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, फैक्टर ऑफ 6 क्या होता है, 1, 2, 3, 6, ये चार फैक्टर्स हैं। एक और नंबर लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 8, ये कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 4 and 8, फैक्टर्स निकाल लिए हम लोग। उसके बाद हमें क्या देखना है, सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स को जोड़ना है, ये जितने भी सब फैक्टर्स हैं, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 plus 2 plus 3। अच्छा, 6 को हम लोग को ऐड नहीं करना है क्योंकि अदर देन इट सेल्फ यहां पर लिखा है ना, खुद को छोड़कर, तो 6 है तो 6 को नहीं प्लस करना है, मतलब जो 6 इट सेल्फ वाले नंबर को छोड़कर बाकी नंबर को प्लस करना है। तो 6 को छोड़कर हम जो बाकी फैक्टर्स है 1, 2, 3 इनको हमने प्लस किया तो कितना मिला, 6 आ गया। अच्छा, यहां पे करके देखते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, 1 plus 2 plus 4, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ, ये भी लिख लीजिए क्योंकि सम ऑफ फैक्टर्स नहीं है ये इटसेल्फ, खुद को छोड़कर सम निकालना है। खुद को छोड़कर सम निकाले तो क्या आ गया, यहां पे 7 आ गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो सम है वो नंबर के बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पे जो सम आया है वो नंबर के इक्वल नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है। तो अगर आप किसी नंबर के फैक्टर्स का सम फाइंड करते हैं उस खुद के नंबर को छोड़कर और वो उस नंबर के बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आपको हार्डली ये एक नंबर है 6, एक और नंबर आई थिंक 12 होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 12 इज ऑल्सो ए परफेक्ट नंबर, क्यों, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होता है, देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 अगर हम निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा और 12 खुद होगा। तो जब आप इसको जोड़ते हैं अदर देन इटसेल्फ,
ऐड करिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 तो 16 आ रहा है। मतलब जो हमारा नंबर है उसके इक्वल नहीं है, तो 12 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट नंबर। मतलब हमें यही करना है, सबको प्लस करना है अदर देन इटसेल्फ, खुद को छोड़कर, और अगर वो गिवन नंबर के इक्वल हो जाता है तो ही हम उसको उस नंबर को परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो ये बड़ा रेयर है, आपको मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। अभी तक जैसे हमें एक ही मिला है, मे बी आपको 1 से 100 तक में कोई दूसरा मिले नहीं, है ना। तो इतना बस आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में हमने बस ये जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, जैसे इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, या सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट अगर ऑपरेशंस दिए हो तो उसको किस ऑर्डर में करेंगे, ये सारी चीज़ों को हमने आज के इस पार्ट में जाना। अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सीखेंगे, है ना, कि अगर कोई नंबर है तो उसको किसी पर्टिकुलर नंबर से बिना डिवाइड किए हम कैसे ये पता लगा पाएँ कि वो नंबर डिविजिबल उससे है कि नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आई होप जो आपको बताया गया समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।